हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको इसकी प्रोटेक्शन और शाइनिंग के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लोर कैसे प्रिपेयर करते हैं। वक्त ज़ाया ना करते हुए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आज की वीडियो में हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो नैनोलेट का वेट लुक एसपी तो बगना तो है। ये एक तरीके का सीलर और एनहेंसर है। इसकी मैं वर्क प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको डलनेस दिखती हो, एक शाइनिंग के बाद आपको लगता हो कि कलर एक एनहेंस नहीं निकल के आ रहा है। एक जैसे आप इस फ्लोर पर देख सकते हैं कि फ्लोर रिपेयर हो गया है, प्रिपेयर हो गया है, सब कुछ ठीक है, बट इसमें एक डार्कनेस और डेप्थ नहीं आ रही है। और एक सीलर की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आप इसे न्यूली जैसे इटालियन स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल, जितने भी पॉलिश्ड सरफेस होती है उन पे, एक्सटर्नल पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका पत्थर डल पड़ गया हो। इसमें एनहेंसर एंड सीलर दोनों प्रोडक्ट्स हैं। और इस प्रोडक्ट्स को लगाने का तरीका, जैसे आप देख रहे हैं, आप कॉटन क्लॉथ से ऐसे लगा सकते हैं, आप स्प्रे करके लगा सकते हैं, आप पर्टिकुलर पैड पे डाल के भी लगा सकते हैं इसको। अब जैसे आप ग्लेज देख सकते हैं, इसमें ग्लेज आ रही है, एक डार्कनेस ऑयल जैसा आ रहा है। जितना ये ऑब्ज़र्व करेगा मार्बल उतना ही अच्छा दिखेगा। और इसमें एक सीलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं ताकि आपके स्टेन्स और उससे सर्टेन टाइम्स के लिए इसको बचा सके। सीलर कोई भी कंपनी का आप यूज़ करते हैं, उसका इतना सीलर आप किसी भी कंपनी का यूज़ करते हैं, उसकी वर्किंग बस इतनी ही होती है कि वो आपके इंस्टेंट स्टेन को रोकने के लिए काम करे, चाहे आप एक्मी का यूज़ करें या किसी अदर ब्रांड का भी। अब इसको लगाने का आप तरीका देख रहे हैं, हम इसे रबिंग करके कुछ सर्टेन टाइम के लिए छोड़ रहे हैं ताकि ये स्टोन ऑब्जर्व कर लें। सॉल्वेंट बेस होता है, इसमें पेट्रोलियम भी होता है, फ्लेमेबल प्रोडक्ट है। इसको यूज़ करें तो थोड़ा संभल के यूज़ करें, कोई फायरवर्क या कोई भी फायर इक्विपमेंट के आसपास ये ना लगाएं। ये कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाएगा सरफेस पे। तो फ्लोर की आप शाइनिंग देख सकते हैं। बाकी अब जब लग गया है तो आप देखिए कि इसमें एक डार्कनेस आ गई है, टोन जो आपके फ्लोर की है क्लियर निकल के आ रही है, एकदम डिफरेंस आप देख सकते हैं डार्क एंड लाइट का। ये नेचुरली जो कलर का स्टोन का जो भी नेचुरल वेन्स होती हैं या उसकी डेप्थ होती है पत्थर की, उसको एनहेंस करता है, उसके डिज़ाइन को एनहेंस करता है, एक शाइनिंग और मिरर लुक देता है, प्लस उसमें एक वेट लुक देता है कि ताकि ये एक गीला फ्लोर लगे, कोई भी पर्सन देखेगा तो सोचेगा इस पर पानी गिरा हुआ है, बट वो ड्राई फ्लोर होता है। अब इसमें मैं बात करूँ इस मटेरियल की, 1 लीटर की बोतल की कवरेज का, तो नैनोलिट वेट लुक जो है 1 लीटर बोतल आपकी 1000 स्क्वेयर फुट एवरेज, जैसे हम जिस वे में हम आप लगा रहे हैं इसमें उसकी एवरेज निकल जाती है, अगर आपका पत्थर पोरस नहीं है, आपने केमिकल से ट्रीट किया है। अगर आपने ट्रीट नहीं किया है तो एक बॉटल आपकी 250 से 300 स्क्वेयर फुट में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पत्थर ही ऑब्जर्व कर लेगा। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी वेबसाइट स्क्रीन पर आपको दिख रही है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पर है। अब जैसे देख सकते हैं ये आपको इटालियन लग रहा होगा, बट ये कटनी मार्बल है, इस पर भी इतनी अच्छी शाइनिंग निकल के आई है। इसकी फिर हमने लगाने पे बफिंग स्टार्ट की थी। ये तरीका मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पहले हमने फ्लोर प्रिपेयर किया था, क्रिस्टलाइजर लगाने के बाद हमने ड्राई बफिंग करी थी पूरे फ्लोर पे,
इस टाइम इस पर ऑयल नहीं लगा हुआ है। मैं आपको प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मैंने बीच में एक प्रोसेस स्टेप बताया नहीं था पिछली वीडियो में, तो उसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि इसमें हमने पहले पूरे फ्लोर पे ड्राई बफिंग करी थी प्रॉपर। इस केमिकल को लगाने से पहले जैसे आप देख सकते हैं इसमें रफनेस आ रही है, एक जो ये फटासपन सा आ रहा है आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो ये जो फटासपन की दूरी है ये जो आपका केमिकल है वेटलॉक एनहेंसर एंड सीलर, इसी चीज़ को एनहेंस करता है कि इसमें एक न्यूट्रल टोन लाता है, इसमें जो पैचेस आ रहे हैं वो पैचेस को डिसअपियर कर देता है, जो क्रिस्टलाइजर से पैचेस बनते हैं उनको, क्योंकि क्रिस्टलाइजर हर स्टोन पे वर्क नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि क्रिस्टलाइजर लगा और शाइनिंग आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइजर भी एक सर्टेन स्टोन्स पे ही, वाइट पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट जिनकी सिलिका वैल्यू हाई होती है उन स्टोन्स पे ही काम करता है। अब आप देखिए इसमें कितनी शाइनिंग है, बट क्लाइंट को और भी हमने एक स्टेप आगे का वर्क देना था, इसीलिए हमने अपनी तरफ से करा वो, और जिस चीज़ की हम डीलिंग करते हैं प्रॉपर हम वर्किंग करते हैं उस पर, क्लाइंट चाहे हो या ना हो हम उसको प्रॉपर वर्क देते हैं जिस चीज़ का हम रेट लेते हैं। अगली वीडियो में हम आपको मार्बल पॉलिशिंग के रेट्स एंड उसके वर्किंग के ऊपर भी आइडिया देंगे, उसके रेट्स क्या होते हैं, क्या रेट देने चाहिए, कौन क्या रेट देता है, तो क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तो मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे अभी लेटेस्ट। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमें फ्लोर पे वो शाइनिंग नहीं आई है, कोई आप हमें ऐसा सीलर या शाइनर दे दो जिससे चमक आ जाए। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि शाइनिंग हमारी फ्लोर पे खाली सीलर और शाइनर लगाने से नहीं आती है, इसका बेस आपको प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका बेस प्रॉपर नहीं है तो आपके फ्लोर में शाइनिंग बहुत ही कम आएगी, और आएगी भी तो सर्टेन दिनों के लिए आएगी, फिर वो गायब हो जाती है। अब जैसे आप ये फ्लोर देख सकते हैं इसमें हमने 99% पोरोसिटी थी, इसको हमने पूरा प्रॉपर तरीके से बेस तैयार किया ताकि इसकी पोरोसिटी बिल्कुल हम इसको 1% पे ले आएँ या 10% पे ले आएँ, तो मैक्सिमम इसकी पोरोसिटी ख़त्म हो चुकी है। बाकी आपके ऊपर है कि आप पत्थरों कैसे मेंटेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके क्रैक्स होल्स जॉइंट्स हमने पूरे फिल कर दिए, आपको इवन टोन नज़र आ रहा होगा फ्लोर पूरा, तो इसमें कहीं भी आपको होल्स वगैरह या कुछ नहीं दिखेगा, इवन टोन है बिल्कुल। अब देखिए हमने बफिंग कर दी है ऑयल की, तो ये इम्पोर्टेड ऑयल है, इंडियन नहीं है, ब्रांड इंडियन है, बट प्रोडक्ट में बहुत जान है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बिल्कुल फटासपन को हटा के एनहेंस करता है फ्लोर को, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही प्रॉपर वेट लुक दे रखी है कि फ्लोर बिल्कुल गीला हो जैसे, और ये सारे फ्लोर पे काम करता है, जैसे आपका इंडियन मार्बल हो वाइट मार्बल हो, चाहे वो 50 रुपये फुट का पत्थर हो या 25 रुपये फुट का, अगर आपने प्रॉपर बेस बनाया है प्रॉपर तरीके से काम किया है तो रिज़ल्ट भी आपको फिर प्रॉपर ही मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाइट मार्बल रिस्टोर करके दिखाऊंगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रेकेज है, तो अपकमिंग वीडियोस में बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडियन मार्बल के ऊपर, क्योंकि मैं इटालियन का ज़्यादा काम करता हूँ तो इसलिए इटालियन की ही वीडियोस ज़्यादा हैं, बट कुछ सर्टेन टाइम में हमने इंडियन मार्बल पे भी बहुत काम किया है जो 90% डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो उसके लिए हम वीडियोज़ भी लाएंगे, आप देखिए।
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आप हमें साइट का कॉन्टैक्ट देना चाहते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सपोर्ट और शेयर करते रहें। थैंक यू।